देखिए, जरूरत से ज्यादा जोड़ना भी नहीं चाहिए, इतना भी मत जोड़ो को महाराज कहीं हरिद्वार वृंदावन जाने की बात आए तो सहज रूप में जा भी ना पाओ। कैसा होना चाहिए? बोले बस एक चाबी घुमाई, ताला लगाया, ट्रेन में बैठे और शाम को पहुंच गए हरिद्वार, गंगा जी के तट पहुंच गए वृंदावन। अच्छा, ज्यादा तिजोरियां, ज्यादा बैंक बैलेंस, ज्यादा परिवार, ये सब किसका कारण बनता? बोले ये शुरू में तो अच्छा लगता है, फिर धीरे धीरे भजन में ये बाधा बन जाता है। अच्छा, इन सबके चक्कर में हम सोचते सोचते महाराज बूढ़े होते हैं। पहले तो बेटे के चक्कर में बूढ़े हुए, अब पोते के चक्कर में और बूढ़े हो गए, अब पोता भी बड़ा हो गया, वो भी अपनी जॉब वॉब करने लगा, दादी को भूल गया बेचारी, दादी जहां की तहां है। फिर कहते अब चलो हरिद्वार वृंदावन। बोले महाराज जाना तो बहुत चाहते हैं, घुटने कमर जवाब दे गए। जब अकेले जा सकते थे तब नहीं गए, जब अब बुढ़ापे में किसी के सहारे की जरूरत, तो बेटे के पास टाइम नहीं, पोते के पास टाइम नहीं, बेटी कहती मैं अपना घर छोड़ के कैसे आऊं। तो इन्हीं सब चक्करों में क्या होता है? बोले हम भजन हमारा रह जाता है, भजन हमारा छूट जाता है।